हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। इट्स मी पलक और आज हम करने वाले हैं मीरा के पद। ठीक है, तो आप सभी लोग मीरा के बारे में तो बहुत ही अच्छे से जानते होंगे कि मीरा जी जो थी वो श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। ठीक है, उन्हें काफ़ी बार श्री कृष्ण दिखे भी हैं। ठीक है, तो हम लोग इन्हीं के बारे में, इन्होंने क्या लिखा है, क्या बताती हैं ये, इन्हीं के बारे में हम ये आज पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन और दोहे के साथ। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप भड़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरी धरियो आप शरीर, बुड़तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर। ठीक है, तो सबसे पहले हरि का मतलब होता है मीरा जी का, हरि से मतलब है श्री कृष्ण। वो श्री कृष्ण को हरि बुला रही हैं, बोल रही हैं कि हरि आप हरो जनरी भीर, यानी कि जन मतलब भक्त, जितने भी श्री कृष्ण के भक्त हैं, वो कह रही हैं कि श्री कृष्ण जी आप हम सब भक्तों की जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी दुखी जो सभी जो दुख हैं उन सबको हर लो, यानी कि हमसे ले लो। द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, द्रौपदी के बारे में तो आप सबको पता होगा, री लाज राखी आप बढ़ायो चीर, चीर मतलब होता है कपड़ा। तो वो उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस तरीके से आपने द्रौपदी री लाज रखी थी, द्रौपदी की इज्जत रखी थी, किस तरह उसका कपड़ा उसका चीर बढ़ाकर। ठीक है, देन एक और वो देती हैं उदाहरण, भगत कारण रूप नरहरी धरियो आप शरीर। वो कहती हैं कि अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए जिस तरह आपने नरसिंह का शरीर धारण कर लिया था, उसी तरह आप हमारे भी जितने भी दुख हैं वो सब ले लो। और वो एक और एग्जांपल देती हैं, उन्होंने दो एग्जांपल तो दिए कि एक द्रौपदी का कि जिस तरीके से उनका कपड़ा बढ़ाकर उनका इज्जत बचाई थी, और दूसरी प्रहलाद को बचाया था नरसिंह के रूप में। तो उसी तरह वो कहती हैं कि जिस तरीके से आपने एक बूढ़े गजराज यानी कि हाथी की रक्षा की थी, किससे की थी उन्होंने, मगरमच्छ से बचाया था, उसी तरह दासी मीरा लाल गिरधर हरो महारी भीर, उसी तरीके से श्री कृष्ण उसी तरह अपनी इस दासी के भी सारे दुख ले लो, अर्थात सभी दुखों का नाश कर दो। तो वो फर्स्ट दोहे में यही बताना चाहती हैं कि जिस तरीके से आपने द्रौपदी प्रहलाद और बूढ़े गजराज की मदद की थी, उनसे किसी न किसी चीज़ के लिए उनकी मदद की थी, उसी तरीके से इस मीरा की और सभी भक्तों की भी दुखों को ले लो। ठीक है, तो अब चलते हैं दूसरे दोहे। दूसरे पद में वो कहना चाहती हैं, श्याम महाने चाकर राखो जी गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यु बाग लगस्यु नित उठ दर्शन पास्यु, वृंदावन री कुंच गली में गोविंदा लीला गास्यु, चाकरी में दर्शन पास्यु सुमरण पास्यु खर्ची भाव भक्ति जागरी पास्यु तीनों बाता सरसी। वह कहती हैं श्याम महाने चाकर राखो जी, चाकर मतलब होता है यहाँ पर नौकर, चाकर मतलब है नौकर। मीरा जी कहती हैं कि वह श्री कृष्ण की नौकर बनकर रहना चाहती हैं। गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी, वह उनके दर्शन पाने के लिए, उनके पास रहने के लिए वह नौकर भी बनना चाहती हैं, नौकर, ताकि वह उनके हमेशा पास रहें। चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उत्तर दर्शन पास्यु, वह कहती हैं रहस्यु का मतलब है रहकर। ठीक है, तो चाकर का मतलब होता है नौकर, और लगास्यु का मतलब लगाना, और बाग का मतलब बगीचे, बाग। ठीक है, तो चाकर रहस्यु बाग लगास्यु नित उठ दर्शन पास्यु, वह कहती हैं कि मैं नौकर बनकर बाग बगीचे लगाना चाहती हूँ, ताकि सुबह उठकर मैं श्री कृष्ण के दर्शन कर पाऊँ। नाउ वृंदावन री कुंज गली में गोविंदा लीला गास्यु, वो कहती हैं कि वृंदावन की गलियों में वे क्या करना चाहती हैं, वे लीला का बखान करना चाहती हैं, मतलब कि श्री कृष्ण की बातों का बखान करना चाहती है, उनके बारे में बताना चाहती है, उनके भजनों को गाना चाहती है। चाकरी में दर्शन पास्यु सुमिरन पास्यु खर्ची भाव भक्ति जागिरी पास्यु तीनों बाता सरसी, वो कहती हैं कि नौकर बनकर उनके तीन फायदे हैं कि उनके पहले तो दर्शन, उनका दर्शन होते रहेंगे, श्री कृष्ण उनके पास रहेंगे तो उनका दर्शन होते रहेंगे, उनके प्रिय की याद नहीं सताएगी, श्री कृष्ण से अगर वो दूर रहेंगी तो उनकी याद पल पल सताएगी, लेकिन जब उनके पास रहेगी तो उनकी
उनकी उनकी याद भी उन्हें नहीं सताएगी, और तीसरी कि उनकी भाव भक्ति और ज़्यादा जागृत होएगी, भाव भक्ति और ज़्यादा बढ़ेगी। तो वो कहती हैं कि इसमें मेरे तीन फायदे हैं। तो इसके बाद एक और पद है जिसमें वह उन श्री कृष्ण के रंग रूप के बारे में बता रही हैं, तो आइए उसको देखते हैं। मीरा जो है वो श्री कृष्ण के रूप रंग के बारे में बताते हुए कहती हैं, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, ऊंचा ऊंचा महल बनाव बीच बीच राखू भारी, सावरिया रा दर्शन पास्यो पहर कुसुम्बी साड़ी, आधी रात प्रभु दर्शन दिच्यो जमनाजी रे तारा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घड़ो अधीरा। इसमें क्या कहते हैं अभी देखिए, मोर मुकुट पीताम्बर सोहे, पीताम्बर का मतलब होता है पीले वस्त्र, सोहे गल वैजंती माला, वैजंती माला। तो वो कहती हैं मीरा जी कि मेरे श्री कृष्ण के सर पर क्या है, उन्होंने क्या पहन रखे हैं, पीले वस्त्र पहन रखे हैं, और गले में क्या है, वैजंती माला है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, तो वे कहती हैं कि श्री कृष्ण जो है वृंदावन में क्या करते हैं, धेनु मतलब गाय, गाय चराते हैं, मोहन मुरली वाला मतलब वह मुरली बजाते बजाते क्या करते हैं, गाय चराते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बना बीच बीच राखू भारी, वे क्या कहती हैं कि भारी का मतलब होता है बगीचे, वो कहती हैं कि वह ऊंचे ऊंचे महल बनाएंगी और क्या करेंगी, बीच बीच में फूल पौधे ये सब उगाएंगी, सावरियों रा दर्शन पार्थिव पहर कुसुम्बी साड़ी, और वह क्या करेंगी, कुसुम्बी साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी, आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो जमरानी तेरे तीरा। वह कहती हैं कि सुबह होने तक का वह इंतज़ार नहीं कर सकती हैं, इसलिए वो क्या करती हैं, आधी रात में प्रभु के दर्शन करने के लिए वह कहाँ बुलाती है, यमुना नदी में, यमुना के पास, यमुना तट पे। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिवड़ो घरो अधीरा, मतलब वह इतनी ज़्यादा वो है उनके प्रति, उनमें बहुत ही ज़्यादा श्री कृष्ण के प्रति लगाव है। तो वही इस वाले पद में यही कहना चाहती हैं कि उनका शरीर के बारे में कहती हैं कि उन्होंने एक मोर का मुकुट पहन रखा है, पीला वस्त्र पहना है, और गले में विजयंती माला है, और वह गाय चराते हैं मोहन मतलब मुरली के साथ, वह गाय को चराते हैं, और वो क्या कहती हैं कि वह ऊंचे ऊंचे महल बनाना चाहती हैं, और उसके बीच में बाग बगीचे लगाना चाहती हैं, और कौन सी साड़ी पहनकर वो उनके दर्शन करना चाहती है, कुसुम्बी साड़ी पहनकर उनके दर्शन करना चाहती हैं, वह सुबह होने तक का भी इंतज़ार नहीं कर सकती, वह यमुना तट पर उनको बुलाती हैं अपने दर्शन देने के लिए। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके क्वेश्चंस चाहिए मैं उस पर भी वीडियो बना दूँगी, जस्ट यू हैव टू कमेंट मी डाउन, और आपको कोई भी डाउट होगा किसी भी लाइन में यू कैन आस्क मी इन अ कमेंट सेशन। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, थैंक यू।